हेलो गाइस, आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे, सेहतमंद होंगे। तो आज है हमारा न्यू ब्लॉग। आज हम घूमकर मासी के, नानी के और बुआ के घर से वापस आ गए हैं। तो आज हम बनाएंगे आलू बैंगन की सब्ज़ी। तो आलू बैंगन की रेसिपी दूंगी आज को मैं, भुने हुए बैंगन बनाऊंगी और उनकी उसकी रेसिपी आपको दूंगी। तो गाइस, ऐसे आलू हमने छील कर इसको छोटा छोटा ऐसे ऐसे काट लेंगे। ऐसा वीडियो बखा दे काट देना। ये है हमारे 1 किलो बैंगन और इतने से प्याज और 7-8 हरी मिर्चें और थोड़े से आलू मैंने धोकर छील कर काट कर रख लिए हैं। बैंगन हमने गाइस धोकर छील कर काट लिए हैं। ऐसे ऐसे को काटना है। ये थोड़े से बड़े बैंगन है इसलिए हमने इसमें दो दो चीरे लगाए हैं। इस तरफ दो, तरफ इस तरफ एक, इस तरफ और दो दो इस तरफ लगाए हैं क्योंकि ये बड़े हैं। छोटे हैं तो आप 2 चीरे 4 चीरे भी लगा सकते हैं। बड़े हैं वो ऐसे हमने लगाए हैं क्योंकि बड़ों में से ज़्यादा चढ़ेगा, और जो छोटे हैं उसको ऐसे एक तरफ से और ऐसे एक तरफ से बस इतना ही लगाएंगे। इसमें बैंगन भर देंगे। हमने बैंगन को, सारे बैंगन को कट लगा लिया है और अच्छे से इसको धो लिया है। पहले धोया फिर इसको कट लगाया है। और बैंगन को अच्छे से अंदर से देख लें क्योंकि इसमें थोड़ा सा कीड़ा भी होता है। अच्छे से देखें कहीं किसी तरफ कीड़ा ना रह जाए, अच्छे से बैंगन को साफ़ करें। गाइस, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें मिर्ची डाल सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। हम इसमें रेड चिली नहीं डालते, हमारे घर में ज़्यादा रेड ही ग्रीन ही खाते हैं। हमने 8 हरी मिर्ची ले ली है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, और थोड़े से प्याज है। इसको हम ऐसे चॉपर में चॉप कर लेंगे। तो गाइस, हमने इसको ऐसे चॉपर में चॉप कर लिया है। सो गाइस, हमने इसको निकाल लिया है। सो गाइस, जो हमारा ऑयल है, तेल है, वो भी गर्म हो चुका है, एंड जो करेले हैं, भरवे बैंगन हैं, वो तेल में ही अच्छे लगते हैं। जाएगा नमक टेस्ट अकॉर्डिंग, हल्दी। तो रेड चिली तो हमने डालना नहीं क्योंकि हमने ग्रीन चिली ज़्यादा डाली, हम रेड चिली यूज़ कम करते हैं। तो ये है गरम मसाला। अगर आपने चटपटा टेस्ट लेना है तो इसमें थोड़ा सा आमचूर का पाउडर भी डाल सकते हैं। अगर नहीं खाते तो स्किप भी कर सकते हैं, आपकी विषय है। दिया है मिक्स, मिक्स करके अब इसको बैंगन में भरेंगे ऐसे अपने हाथों की हेल्प से। आप चाहे चम्मच का यूज कर सकते हैं, चम्मच से इतना अच्छा नहीं जाता जितना हाथ से जाता है। अब सभी बैंगन के इस तरह भर लेंगे, फिल कर लेंगे ऐसे। फिल करने के बाद इसको ऐसे तेल में छोड़ेंगे, ऐसे ऐसे फिल करते जाएंगे हम इसको, और तेल में छोड़ेंगे, और तेल में छोड़ते जाएंगे। तो गाइस, सभी मसालों को हमने भरकर बैंगन में ऐसे कढ़ाई में छोड़ दिया तेल में पकने के लिए। इसको कवर कर देंगे, थोड़ा टाइम पकने देंगे, बाद में इसका थोड़ा सा साइड चेंज कर देंगे। और इधर ये प्याज जो हमारा बच गया है इसे हमें आलू में ट्रांसफ़र करना है क्योंकि इसमें सारा नमक मिर्च हमने डाल दिया था एक बार में। ये प्याज जाएगा आलू में, और ये 3-4 प्याज मैंने वैसे ही काट कर रखे हैं, ये भी हम साथ में आलू में फ्राई करेंगे, वो बहुत टेस्टी लगते हैं मसाले। तो गाइस, ये हमारे बैंगन हैं जो एक तरफ से हो चुके हैं फ्राई, जिसको हम साइड चेंज करेंगे। सभी के ऐसे ही हम साइड चेंज कर देंगे, सभी बैंगनों के ऐसे साइड चेंज करेंगे कि दूसरी तरफ से भी पक जाए। तो गाइस, सभी बैंगन की मैंने साइड चेंज कर दी है एक तरफ से, और बंद करके इसको फिर पकने के लिए छोड़ देंगे। ये हमारे बैंगन हैं जो फ्राई हो चुके हैं, हमें एक प्लेट में से निकाल लेंगे। तो गाइस, ये देखिए हमारे बैंगन निकाल लें, फ्राई हो गए। अब इसमें इसी तेल में ऑयल में जाएंगे आलू, तो इसी में जाएगा वो प्याज वाला मसाला जो हमारा पड़ा हुआ था, बचा था, वो इसी में जाएगा। और नमक मिर्च और डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पहले मैंने इसमें फुल उतना जितना जाना था सब्ज़ी में उतना ही डाला था। और इसी में 3-4 प्याज जो मैंने कट करके रखे वो भी डाल देंगे। इसे पकने के लिए ढककर छोड़ देंगे, इसे आलू को फ्राई होने देंगे। तो मैंने इसको मिक्स कर दिया और इसको मैं ढककर कम आँच पर पकने दूँगी। अच्छे से आलू भी फ्राई हो चुके हैं, ये देखें गाइस कितने अच्छे से फ्राई हो गए हैं। तो अब इसमें जाएंगे बैंगन।
तो गाइस ये टेस्टी से बैंगन हमारे बनकर हमारे यम्मी से टेस्टी से बैंगन बनकर रेडी हो चुके हैं। आलू के ऊपर मैंने ऐसे ही बैंगन रख दिया और इसको फ्लेम को कर दिया बंद। अब इसको ऊपर से कर देंगे कवर। ये इतने टेस्टी बनते हैं, अपनी मर्जी हो तो आप आलू में टमाटर भी डाल सकते हैं, 2-3 टमाटर, इससे खट्टा मीठा टेस्ट और आ जाएगा। तो मैंने टमाटर नहीं डाला, अब आपने डालना है तो डाल सकते हैं। तो इंजॉय करें और खाएं और मेरे साथ शेयर करें कि कैसे बने हैं। बेटा वरदान क्या कर रहा है, वरदान कितना सुंदर लग रहा है। इसको गॉगल्स लगाने का बहुत ही शौक है, ये जब भी रेडी होता है पहले पूछता है मेरी गॉगल्स कहाँ हैं। इसको गॉगल्स का इतना क्रेज़ है, इतनी गॉगल्स इसने लाकर रखी हैं, तो जब भी रेडी हो जाता है पूछता है गॉगल्स कहाँ हैं, मामा मेरे को गॉगल्स दे दो। गाइस कॉफ़ी किसने पीनी है, मेरा तो थोड़ा सा मन कॉफ़ी पीने का हो रहा था तो मैंने अपने लिए बनाई है कॉफ़ी, आ जाओ जिसने पीनी है। तो गाइस मेरी कॉफ़ी बनके हो गई रेडी, आ जाओ किसने पीनी है। गाइस ये है डॉक्टर ओट के मिल्क शेक मिक्स एंड ये है बटरस्कॉच फ्लेवर, ये है बादाम एंड इलायची फ्लेवर। सो गाइस ये है बादाम का फ्लेवर, इसमें थोड़े थोड़े बादाम के छोटे छोटे पीसेस आते हैं जो मेरा बेटा नहीं पीता क्योंकि उसमें माउथ में आते हैं। तो ये है बटरस्कॉच, ये प्लेन होता है, आइसक्रीम जैसा दूध बनता है, बहुत टेस्टी बनता है। ये आइसक्रीम तो फ्लेवर है इसलिए उसका फेवरेट है कि ये ऑल टाइम ये पीता है, ये वाला दूध ही पीता है वो। तो ये वाला दूध तो इसलिए नहीं पीता, इसमें आते हैं ना, तो बड़ों के लिए तो बेस्ट है ये। इलायची और बादाम का टेस्ट बहुत अच्छा है, ये भी इंजॉय करने वाला है, पर ये वाला तो वो इसलिए पीता है, प्लेन बनता है ना वो वाला। सो गाइस अगर मैं आपको बताऊँ ना तो मुझे बटर स्कॉच अच्छा लगता है सबसे ज़्यादा। तो यहाँ पर हमने एक गड़वी दूध ले लिया है, ठंडा दूध, जिसमें हम डाल रहे हैं शुगर। मामा कितने चम्मच है शुगर के? 5 चम्मच, 5 टेबल स्पून शुगर डाल दी हमने इसमें। ये इतने वाले छोटे वाले 1 टेबल स्पून जो होता है उसके हिसाब से 5 टेबल स्पून हमने इसमें डाल दिए शुगर। आप अपने जितना आप मीठा पीते हो उसके अकॉर्डिंग डाल लें। सो गाइस अभी इसकी सील लगी हुई है, एक जो है वो हमने यूज़ कर लिया था, पहले लाया था हमने बटर स्कॉच वाला, वो यूज़ कर लिया था। ये मैं न्यू लाई हूँ आपको दिखाने के लिए कि ये बहुत अच्छा फ्लेवर है इसका। अगर प्राइस की बात करें तो इसका प्राइस है 89 रुपीज़, मतलब 90 रुपीज़, एंड इसका भी सेम है 99 नहीं, इसका ज़्यादा है, इसका 100 रुपीज़ है, इसका 90 रुपीज़ है, बस 10 रुपीज़ का, 10 रुपीज़ का इसमें जो फ़र्क है। हमने इतना सा ये डाला, इससे ही दूध का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। आप जितना दूध बनाए उस हिसाब से डाल सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। सो गाइस जो हमारा मिल्क था वो पहले से ही चिल्ड था, एंड अगर आपने आपका दूध जो चिल्ड नहीं है तो आप इसमें आइस क्यूब डाल सकते हो। तो हमारा जो मिल्क है वो बन के रेडी हो चुका है, अब इसको हम डाल लेते हैं ग्लास में। 3 ये मैंने फ्रीज़र में डाला था इसलिए ये ज़्यादा चिल्ड है। आप ये दूध ज़्यादा चिल्ड ही अच्छा लगता है, आप इसमें बर्फ़ वगैरह डाल सकते हो। तो मैंने 2 चम्मच वो डॉक्टर ऑडकर का वो बटरस्कॉच मिल्क शेक डाला था, पाउडर डाला था, और दूध हमारा बनकर रेडी हो गया है। सो गाइज हमने यहाँ पर 3 ग्लास लगा लिए हैं, तो इनके ऊपर लिखा है अपना टाइम आएगा। हाँ गाइज अपना टाइम भी आएगा जब हमारा सब्सक्राइबर बढ़ जाएगा। सो गाइज हमने दूध डाल लिया है एंड चीयर्स। आप भी टेस्ट करो और मुझे कमेंट करके बताना कि आपने इसको ट्राई किया है, आपका कैसे का बना। सो बाय, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गाइस 200 सब्सक्राइबर हो चुके हैं और करा दो, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।